हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए कोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो सबसे पहले हम आज के एजेंडा से स्टार्ट करें। सो आज के वीडियो में हम ये सारी बाबत और ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी कोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहेंगे, उसमें कितना प्लेसमेंट मिलता है, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ती है, कॉलेजेस कौन कौन सी अच्छी है, कट ऑफ डिमांड्स, आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, जॉब रोल्स कैसी होगी और कौन कौन सी अच्छी अच्छी कंपनियाज है। आज के वीडियो हम ये सब देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं कोर्स इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा है कि उसमें पढ़ाई के दौरान आपको स्टडी में डेवलपमेंट करना रहता है, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग और मैकेनिकल एंड थर्मल सेंसर डिवाइसेस रहता है। उसमें आप टूल्स ले लो, इंजिन ले लो, मशीन्स ले लो, ये सबसे आपको डील करना रहता है। आपको ऑटोमोबाइल के फील्ड में भी आपको काम करना रह सकता है। उसमें आपका करियर रहता है टेक्नोलॉजीज में, और उसमें आपकी जो कोई भी ह्यूमन नीड्स रहती है वो सबका एक मैकेनिज्म रहता है। सो ये ओवरऑल रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी रहती है। सो यहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है। आप देख सकते हो कितने सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल, उसमें भी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जैसा कि कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एलजेब्रा, ये सब आता है मैथमेटिक्स में। फिर आता है बेसिक फिजिकल साइंस, स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड सॉलिड मैकेनिकल मैकेनिज्म है, मटेरियल इंजीनियरिंग है। ये सारे सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसका क्रेडिट भी ज्यादा रहता है और ये आपको आगे चल के भी काम में आएंगे। इनफैक्ट प्लेसमेंट में भी इसमें से कई सारे सवाल आते हैं। सो ये एक सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स है, आप पढ़ लीजिए एक बार। ये सभी कोर सब्जेक्ट्स है, इसकी लिस्ट, ये सारी कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। लास्ट में मैंने मेंशन किया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैट का काफी इंपॉर्टेंट रहता है सभी के लिए, और आपको पता ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैट की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है ऑटो कैड में। सो ये सारे सब्जेक्ट्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। सो सबसे पहले आपको 55% पासिंग स्कोर चाहिए, वो भी 10+2 में। 12th साइंस के बाद आपका 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। और ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आपको JEE मेन क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर मैं एक्सेप्शन केसेस की बात करूँ कि कोई स्टेट में दूसरी भी एग्जाम के ऊपर आपका एडमिशन हो सकता है, जैसे कि गुजरात के अंदर गुजकेट है, सो ऐसे भी आपका एडमिशन हो सकता है। बट यहाँ पे ओवरऑल की बात करें तो JEE मेन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड, और IIT की बात करें तो JEE मेन प्लस JEE आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए तभी आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फीस कितनी रहती है। एवरेज फीस मेंशन की हुई यहाँ पे मैंने, वो है 60,000 से लेके 5,50,000 तक, ये एवरेज और ओवरऑल फीस है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, आपकी कंपनी का कॉलेज का नाम क्या है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी फीस पे करनी रहती है। सबसे पहले आता है एग्जाम फी, फिर आता है स्टडी मटेरियल, बुक्स चाहिए, आपको लैपटॉप भी चाहिए अपना वर्क करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, और प्रोजेक्ट का मटेरियल रहता है, ये सब दूसरे खर्चेस और फीस रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है। सो कॉलेजेस की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कॉलेजेस आएंगी, बट यहाँ पे मैंने ओवरऑल अच्छी अच्छी कॉलेजेस दे रखी है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये सारी कॉलेज लोकेटेड कहाँ है। सबसे पहले तो पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, ये सारी सिटी में अच्छी अच्छी कॉलेजेस है। और स्पेसिफिक हम कॉलेज की बात करें तो उसमें IIT, SRM, VIT वेलोर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, BMS बेंगलोर, RV कॉलेज ऑफ कर्नाटका, मणिपाल इंस्टीट्यूट, ये सारी अच्छी अच्छी कॉलेजेस लोकेटेड है पूरे इंडिया में। ये सारी की सारी टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इसमें आपका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिलता है आफ्टर 4 ईयर ऑफ कंप्लीटिंग योर BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जनरली एवरेज पैकेज की बात करें तो वो रहता है 4.5 लाख पर एनम से लेके 10 लाख पर एनम का। ये ओवरऑल पैकेज है, अगेन आई सेड कि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेजेस में है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका रेप्यूटेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां जाती है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होता है 2-3 साल के बाद, आप जब कंपनी स्विच करते हो, सो आपको काफ़ी अच्छे चांसेस है, उसमें आपको 15 लाख से लेके 18 लाख पर एनम तक के प्लेसमेंट मिलते हैं, बट आफ्टर एक्सपीरियंस ये सब पैकेजेस सबको मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी अच्छी अच्छी कंपनियां से। तो मैकेनिकल में तो काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां से, यहाँ पे मैंने काफी सारी लिस्टेड की रखी है। ये सभी की सभी आपने जरूर कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, जैसे कि टाटा ग्रुप, थर्मेक्स, L&T है, गोदरेज ग्रुप है, अशोक लेलैंड, जनरल मोटर्स, साइमंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोरेंट, ये सारी अच्छी अच्छी मैकेनिकल कंपनियाज है। ये सब तो बेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, DRDO है, IOCL है, कोल इंडिया है, ONGC है, इसरो भी है। ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियाज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता है, सो आप ये सारी कंपनियाज में डायरेक्टली ऑफलाइन इंटरव्यू रहता है, ऑफ कैंपस इंटरव्यू रहता है, आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हो और आप डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन और प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो। अब हम जॉब रोल्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको क्या किस प्रकार का जॉब करना रहता है, कौन सी जॉब रोल्स मिलेगी। सो ये सारी जॉब रोल्स आपको मिल सकती है, असेसिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है, मेजरमेंट परफॉर्मेंस मैकेनिकल कंपोनेंट है, डिवाइसेस एंड इंजन है, टेस्टिंग रहता है, राइटिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी वाइड रेंज में आपकी जॉब रोल्स रहती है क्योंकि ये काफ़ी डिमांडेड है। सो ये सब एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है जॉब रोल्स, ये भी उसमें जॉब रोल्स में ही है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, ये सब अच्छे अच्छे जॉब रोल्स रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आगे चल के हम बात करते हैं कि किसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ सकती है, हु आर द एम्प्लॉयर्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये सारे कंपनियाज है कि जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत हो सकती है। तो उसमें पहले सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट के फील्ड रिलेटेड जो कोई भी कंपनियाज रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग कंपनीज, ये सारी कंपनीज ऐसी है जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसीज, यूटिलिटी कंपनियाज है, सिविल सर्विसेज है, आर्म फोर्स है, ये तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब रहती है। ये सारे में आपको एडमिशन और आपको एम्प्लॉयज रहते हैं, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज भी है इसमें। ये मैंने एक स्लाइड दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप काम करते हो सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जैसे कि प्रोड्यूस्ड आउटलाइन डिज़ाइन है, टेस्ट करना रहता है, आइडेंटिफिकेशन रहता है, रिपोर्ट बनानी होती है स्ट्रक्चर की कितना टाइम चलेगा, फिर नए नए मशीन्स आपको बनाने रहते हैं, ये सब अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, आप वहाँ पे कमेंट करके डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।